हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करने जा रहा हूँ सीमेंट सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी, और कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। कंपनी ने आज के दिन कैलेंडर ईयर अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश करते हुए दिख रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ऐसे में अंबुजा सीमेंट के ऊपर आप बिल्कुल नजर बना के चल सकते हैं। सबके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले आइए कंपनी जो रिजल्ट पेश किया है उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों टोटल इनकम, क्वार्टर टू कैलेंडर ईयर 2021 का जो टोटल इनकम है ये देखिए 7055.76 करोड़ से, और ये क्वार्टर वन की अगर बात करेंगे कैलेंडर ईयर 2021 का 7811.96 करोड़ था। दोस्तों, इसमें 9.68% की गिरावट आपको नजर आएगा टोटल इनकम में। नेट प्रॉफिट कितना है अभी देखिए 876.71 करोड़, बट ये था 947.21 करोड़, 7.44% की गिरावट आपको दिखेगा। ईपीएस में भी गिरावट दर्ज हुआ है, 4.77 था 4.41 हो गया है, 7.55% की आपको गिरावट दिखेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी इतना बेहतरीन प्रदर्शन तो नहीं किया है दोस्तों, इसके जो रिजल्ट है यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस तीनों में। बट अगर हम इसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैलेंडर जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर इसको अगर कंपेयर करेंगे, देखिए ये है कैलेंडर ईयर 2021 क्वार्टर टू के रिजल्ट, और ये है देखिए कैलेंडर ईयर 2020 के क्वार्टर टू के रिजल्ट। टोटल इनकम कितना है अभी देखिए 7055.76 करोड़, और ये था देखिए CY 2020 में 4755.01 करोड़, इसमें 48.39% की ग्रोथ आपको नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में 91.78% की बढ़त है, 457.14 करोड़ था अब बढ़ के 876.71 करोड़ हो गया है। ईपीएस में भी जबरदस्त इजाफा देखने के लिए मिल रहा है 91.74%। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सिक्स मंथ एंड कैलेंडर ईयर 2021 ये टोटल इनकम आया है 14,867.72 करोड़, बट अगर हम बात करेंगे ये कितना था सिक्स मंथ कैलेंडर ईयर 2020 तक, अब देखेंगे तो ये था दोस्तों यहाँ पर 11,146.48 करोड़, इसमें देखिए 33.38% में परसेंट की आपको बढ़त नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में 80.34% की बढ़त दिखेगा, 1,011.39 करोड़ से बढ़ के 1,823.92 करोड़ नेट प्रॉफिट आया है। ईपीएस में देखिए 5.09 था अब आया है दोस्तों 9.18 ईपीएस नजर आएगा, 80.35% की ग्रोथ आपको दिखेगा। देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कंपनी यहां पर दोस्तों जो है यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है, बट अगर हम बात करेंगे सिक्स मंथ एंड और ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो इसमें जबरदस्त बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कंपनी नजर आ रहा है। नेक्स्ट आइए कंपनी के और कुछ पैरामीटर को यहाँ पर देखते हैं। कंपनी के अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस को यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए पिछले 3 साल में कंपनी ने जो है 103.18% की आपको जबरदस्त रिटर्न बना के दे दिया है। बात करेंगे एक साल की 103.23% है, एक साल में जस्ट डबल कर दिया है जो है इन्वेस्टर के पैसा को। और ईयर टू डेट अगर बात करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई के बीच देखिए 61.66% की आपको ग्रोथ दिखेगा, 3 महीने में 36.28% की आपको रिटर्न बना के कंपनी दिया है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर देखा जाए एक महीने की एवरेज डिलीवरी कितना है 33.30%, एक हफ्ते की देखिए 25.63%, बट यहाँ पर देखिए 41.14% की डिलीवरी पिछले ट्रेडिंग सेशन में उठाया गया था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखिए 29.58% की डिलीवरी, लगभग 30% की डिलीवरी यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में उठाया गया है। बेहतरीन डिलीवरी तो नहीं बोला जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिसेंट डिलीवरी कंपनी के शेयर्स में उठाते हुए आपको नजर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के जो है बिजनेस और इसके जो बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं। कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे, ये सीमेंट सेक्टर में काम करता है और डिफरेंट टाइप का सीमेंट भी कंपनी बनाते हुए दिखेगा। अंबुजा सीमेंट जो कि नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ अंबुजा कवच, ये देखिए ये स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट बनाता है। अंबुजा प्लस में काम करता है, देखिए अंबुजा कूल वॉल्स, कैन सीमेंट कीप योर हाउस कूल ऑफकोर्स विथ अंबुजा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कंक्रीट ब्लॉक्स। ये देखिए अंबुजा रेल कैम जो ये सीमेंट जो है
पोर्टलैंड सीमेंट है, पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट जो बोलते हैं हम उसको इसमें यूज होता है। इस जो कि रेलवे स्लीपर, जो रेलवे का स्लीपर यहाँ पर बनता है, इस सीमेंट से बनता हुआ नजर आता है। अंबुजा पावर कैम में ये जो सीमेंट बनाता है, अंबुजा बिल्ड कैम, तमाम देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो ये सीमेंट अपने यूज के अनुसार कंपनी बनाता हुआ आपको दिखाया दिखता है। एल्कोफाइन माइक्रो मटेरियल्स में भी कंपनी काम करता हुआ देखेंगे। रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनी यहाँ पर अपना जो है प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनाता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी के जो है यहाँ पर कंपनी के कुछ आउटलुक के ऊपर नजर जाते हैं। कंपनी के जो टोटल ओवरव्यू को अगर देखेंगे, देखिए 29.65 MTPA इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंपनी के पास कंपनी का है और 4 कैप्टिव पोर्ट्स हैं। ग्रेटर देन 12% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है। अप्रोक्सीमेटली 50,000 चैनल पार्टनर्स कंपनी के पास मौजूद हैं। 2.7 मिलियन टोटल बेनिफिशियरीज हैं। 4.6 मिलियन टन्स वेस्ट रीयूज्ड, इसके जो वेस्ट हैं ये सब रीयूज्ड कर देता है, वापस यूज करता है दोस्तों। देखा जाए तो कंपनी तो बढ़िया जबरदस्त नजर आता है। परफॉर्मेंस ड्राइवर्स की अगर बात करेंगे, आने वाले समय में कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को और भी आगे ले जाएंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर करेंगे दोस्तों। देखा जाए इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कंपनी जो होती है नया नया टाइप का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अपना इंट्रोड्यूस कर रहा है। मरुआ मंडुआ टू कमेंस ऑपरेशन इन Q3 2021, ये देखिए जो एक दूसरा प्लांट है मंडुआ में जो स्थित है, Q3 2021 में ये भी ऑपरेशन में आ जाएगा दोस्तों। इसमें जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपनी के जो यहाँ पर देखेंगे, अर्बन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ड्राइव डिमांड रिकवरी, देखिए रोड्स, रोड आने वाले समय में और भी रोड में यहाँ पर जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत यहाँ पर इंडिया में होता हुआ आपको दिखेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट टू ग्रो 10-15% इन FY 2022। देखिए यहाँ पर देखिए 10-15% तक यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है। एक्सप्रेस वे एंड स्टेट हाईवे सेंटर्स आउटले इज ₹1.7 लाख करोड़, इतना करोड़ का यहाँ पर खर्चा होने वाला है दोस्तों रोड प्रोजेक्ट में। तो ऐसे में अंबुजा सीमेंट कैसे पीछे रह सकता है। अर्बन हाउसिंग ओदर्स में देखिए इम्प्रूविंग अर्बन इनकम, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। स्टेबल प्राइस एंड लेबर अवेलेबिलिटी टू पिकअप हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इन नेक्स्ट फिक्सल, आने वाले में समय में देखिए जो है लोगों का इनकम बढ़ेगा तो अपने लिए खुद भी घर बनाएंगे। ओदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, जैसे कि इरीगेशन, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं टू ड्राइव डिमांड नेक्स्ट फिक्सल, आने वाले समय में ये भी इसकी डिमांड को और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। रेलवेज में भी बहुत ही प्लान आउटले ऑफ ₹2.1 लाख करोड़, बजट 2021-22 की अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए 33% हायर देन फिस्कल इन 2021, रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 1.61 लाख करोड़ रेलवे में खर्चा होने वाला है। रूरल हाउसिंग्स भी इनके डिमांड को बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल कमर्शियल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह है दोस्तों, कैपेक्स जो है इनके ग्रोथ में काम आएंगे, ग्रोथ करने में काम आएंगे दोस्तों। अर्बन हाउसिंग रियल इस्टेट क्षेत्र में भी बढ़ने वाला है जो है, इसमें भी इसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। PMY अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना में भी ये जो है PMAY योजना जो बोलते हैं दोस्तों, जो कि हर गांव में चल रहा है, तो इसका भी कंपनी लाभ उठाने वाला है। देखा जाए तो कंपनी का तो फ्यूचर आउटलुक बेहतरीन और ज़बरदस्त यहाँ पर नज़र आता है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे और कुछ पैरामीटर को, ग्रोथ कॉम्पिटिटिवनेस की अगर बात करेंगे, देखिए कंपनी कैपेसिटी एक्सपांसन कर रहा है। देखिए मरुआरा मुंडरा नागपुर राजस्थान, इसमें भी यहाँ पर जो है अपना नया नया फैक्ट्री भी लगा रहा है। स्पेशल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी ऐड करता ही रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी कंपनी यहाँ पर बढ़ाते हुए आपको नजर आएगा। ये सब फैक्टर्स को अगर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का फ्यूचर तो यहाँ पर जबरदस्त नजर आता है। फाइनेंशियल रिजल्ट को यहाँ पर इन्होंने क्या और कहा है इसको भी यहाँ पर नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बताए हैं क्वार्टर एंडेड जून 2021 का रिजल्ट आपको मिलेगा, Q2 2021, इसका मतलब कैलेंडर ईयर Q2 2021 का है ये, और ये Q2 2020 का है। इसमें देखिए नेट सेल में 55.8% की ग्रोथ दिखेगा।
इबिटडा की अगर बात करेंगे इसमें 61.2% की ग्रोथ है। इबिटा मार्जिन देखिए 27.8% था, अब बढ़ के 28.7% हो गया है। ऑपरेटिंग इबिट की अगर बात करेंगे ये भी आपको बढ़ता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात करेंगे इसमें 51.0% की बढ़त है। नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे देखने 59.5% की बढ़त दिखेगा आपको, 60% की बढ़त आपको दिखेगा। बेहतरीन यहां पर ईयर ऑन ईयर कंपनी आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और कुछ पैरामीटर कंपनी के, आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए 63.28% शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और कोई भी शेयर प्लेज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। FII की अगर बात करेंगे ये देखिए 17.69% की होल्डिंग है। DII भी यहाँ पर होल्ड करते हैं 12.5% की, बाकी जो है पब्लिक होल्ड करते हैं सिर्फ 6.53% की होल्डिंग। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न वाइज भी कंपनी यहाँ पर बिल्कुल बुरा नजर नहीं आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कंपनी के पी देखिए 79,992 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक के पी अभी 28.0 पे चल रहा है। आरओसी देखिए 18.3% है। आरओई की अगर बात करेंगे 10.5% आरओई पे अभी कंपनी काम करता है। ईपीएस 11.9 है। डेप टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.0 नजर आएगा। सिर्फ 90 करोड़ का कर्जा कंपनी के पास मौजूद है। दोस्तों देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर टोटली डेप्ट फ्री कंपनी तो नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी आपको नजर आता है। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करेंगे पहला नंबर पे आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, नेक्स्ट है दोस्तों श्री सीमेंट, इसके बाद कंपनी आता है अंबुजा सीमेंट जिसका कि करेंट मार्केट प्राइस की अगर बात करेंगे 402.30 है। अगर हम अल्ट्राटेक श्री सीमेंट की अगर बात करेंगे इसका पी देखिए 28.00 पे चल रहा है। दोस्तों काफ़ी यहाँ पर अंडरवैल्यूड कंपनी यहाँ पर नजर आता है। इतना आने वाले समय में ये और भी भागने के लिए दमखम रखता है। दोस्तों बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, कंपनी में अगर निवेश कर रहे हैं इससे पहले आप अपना खुद का रिसर्च यहाँ पर जरूर कर लें। अगर आप खुद रिसर्च करेंगे दोस्तों तो कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। बस जय हिंद।